नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव में अधिकतम 397 सीटों पर जीत दर्ज करने का सोमवार को दावा किया है। रविवार को 1079 ग्राम पंचायतों के लिए हुए चुनाव में नतीजे की घोषणा सोमवार को की गई। भाजपा की प्रदेश इकाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, भाजपा 397 सीट जीत कर ग्राम पंचायत चुनाव में पहले नंबर की पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली बाला साहेबांची शिवसेना के साथ संयुक्त आंकड़ा 478 पर पहुंच गया है। भाजपा 235 गांव में सरपंच या ग्राम प्रधान का पद जीतने में सफल रही है। कांग्रेस ने 134, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 110, शिवसेना ने 128 और बाला साहेबांची शिवसेना ने 114 सीटें जीती है। ग्राम पंचायत चुनाव में भी 300 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मतदाताओं ने बाला साहेबांची शिवसेना के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि हमने जो कदम उठाया वह सही साबित हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार मुक्ता कोकरडे को सोमवार को नागपुर जिला परिषद का अध्यक्ष, कुंडा राउत को उपाध्यक्ष चुना गया है। इनका चुनाव जिला परिषद सदस्यों को विशेष आम सभा की बैठक में किया गया। जिला परिषद की प्रभावी ताकत 97 है। कांग्रेस की नागपुर जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे ने 5 साल के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। भाजपा ने नागपुर जिला परिषद पद के लिए कांग्रेस के बागी प्रीतम कावरे और उपाध्यक्ष के रूप में नाना गंभाले को समर्थन किया था। नागपुर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र मूलक ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है और भाजपा अपनी जमीन खो रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी की संगीता अधव और सुनील फातकर को सोमवार को अकोला जिला परिषद का क्रमश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया है। नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव के परिणामों में कांग्रेस का दबदबा था, जो शनिवार को मतदान के दिन ही घोषित किए गए थे।